हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, वह भी मज़ेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या-क्या लेकर आया है। आज हम लोग सबसे पहले सुनेंगे बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। फिर हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है हाशिम ने बनाए आम। उसके बाद हम लोग पढ़ाई करेंगे 12 खड़ी की। फिर शामिल होंगे अक्षर मात्रा शब्द यात्रा में। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और देखेंगे एक मज़ेदार वीडियो। राजू अपनी साइकिल लेके सामान खरीदने चला। उसके बाद जोड़ सीखेंगे, चलो जोड़ करना सीखते हैं के साथ। और सबसे अंत में करेंगे पढ़ाई अंग्रेजी की फन टाइम के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें ये गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के दो ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता, कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया, उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं,
राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं इसीलिए ताकतवर है, तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है, हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे नीडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था, उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा, उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था, वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त से उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते तब भूख ही नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। काकी काकी, बहुत जोरों से हवा चल रही है। हाँ बिटिया। काकी, मैं आम के बगीचे में जाऊँ, आम गिरेंगे तो लेकर आऊंगी। नहीं नहीं बिटिया, तुम्हारे काका गए हुए हैं, आम गिरेंगे तो वह लेकर आ जाएंगे। बिट्टू की काकी, ओ बिट्टू की काकी। लो, तुम्हारे काका आ गए। बोरे को देखकर लगता है खूब आम गिरे हैं। हाँ, अब इतने सारे कच्चे आमों को कैसे बचाएंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, इसका अचार बना लेते हैं। अचार? पर क्या अचार बनाने के बाद ये खराब नहीं होंगे? बिटिया, इसको काट कर सुखा देने के बाद नमक और तेल डाल देने से यह खराब नहीं होंगे। मतलब इस आम को पका हुआ नहीं खा सके तो अचार बनाकर खाएंगे। काका, ये तो सुना है कि नमक और तेल का खाने में उपयोग करते हैं, पर उनसे खाने की चीजों को खराब होने से भी बचाया जा सकता है, ये पहली बार सुन रही हूँ। बिल्कुल बिटिया, ऐसा होता है। बिटिया, तुम बहुत प्रश्न पूछती हो। आपको पता नहीं तो बोल दीजिए, पता नहीं है पर प्रश्न पूछने से मना मत कीजिए। बिल्कुल काकी। भाग्यवान, नाराज मत हो, मैं बिटिया के प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगा। फिर दीजिए। उत्तर बताने के लिए मुझे खजाना खोलना पड़ेगा। खजाना? क्या आप पहेली बुझा रहे हैं? साफ साफ बताइए ना। काकी, काका का इशारा समझिए, वे कहानी के खजाने की बात कर रहे हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना काका? तुम्हारी काकी को कौन समझाए, पर तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। ठीक है, मैं नहीं समझी तो क्या हुआ, बिटिया तो समझ गई। अब सुना भी दीजिए कहानी।
हाशिम ने बचाए आम। लेखन इप्सिता दास गुप्ता, रुक्मणी दास। चित्रांकन अनन्या बोरकर पारेख। अनुवाद निर्मला शुक्ला। प्रकाशन प्रथम बुक्स, साभार स्टोरी वीवर। हाशिम को आम पसंद हैं। इन गर्मियों में आम खराब होने वाले हैं। हाशिम उन्हें बचाना चाहता है। बाबा ने हाशिम को बताया कि अगर तुम आम से पानी निकाल दो तो वे खराब नहीं होंगे। कीटाणु पानी के बिना नहीं जी सकते, उन्होंने बताया। हम आमों में से पानी कैसे निकालेंगे, हाशिम ने पूछा। उनमें नमक डालकर, बाबा ने कहा। उसके बाद बाबा और हाशिम ने आमों को धूप में सूखने के लिए रख दिया। उन्होंने कांच की एक बरनी में थोड़ा तेल लेकर उसमें आम डाल दिए। तेल कीटाणुओं को आम तक पहुंचने नहीं देता। बाबा, हमने तो अचार बना दिया, हाशिम ने कहा। कैसी लगी कहानी? कहानी तो बहुत अच्छी थी। क्यों बिट्टू की काकी और बिट्टू, अब तो कोई शिकायत नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरे सभी प्रश्नों के जवाब भी मिल गए। लेकिन कहानी पर बातचीत जरूर करेंगे। हाँ हाँ, तुम ही शुरू करो। बिटिया तुम बताओ, आम को कौन बचाना चाहता था और क्यों? आम हाशिम बचाना चाहता था क्योंकि हाशिम को आम बहुत पसंद थे। अब तुम बताओ बिट्टू की काकी, बाबा ने हाशिम को क्या कहा था? बाबा ने हाशिम से कहा, आम में से पानी निकाल दें तो खराब नहीं होंगे, क्योंकि पानी के बिना कीटाणु जी नहीं सकते हैं। बहुत बढ़िया। काका, अब आपकी बारी है। आम दूध में सुखाने के लिए किसने रखे थे? आम धूप में सूखने के लिए बाबा और हाशिम दोनों ने रखे थे। अब बारी है मेरे दोस्तों की। तो दोस्तों, आप भी कहानी को घर के सदस्यों को सुनाइए और प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। तो पहला प्रश्न है, हाशिम ने बाबा से क्या पूछा था? दूसरा प्रश्न है, हाशिम ने बाबा से क्या कहा? तीसरा प्रश्न है, बाबा और हाशिम ने आमों का सूखने के बाद क्या किया था? और चौथा प्रश्न है, घर के सदस्यों से पूछकर आम के नामों की सूची बनाइए। बिटिया, कहानी सुनने के बाद बच्चे खेल का इंतजार कर रहे होंगे। इसमें पूछने की क्या बात है, बच्चों को खेल खेल में सीखने में ज्यादा मजा आता है। बिल्कुल काकी। काका, बिना देर किए हुए खेल शुरू कीजिए। तो खेलते हैं खेल भालू की 12 घड़ी। मजा आएगा। तो आइए शुरू करते हैं भालू की 12 घड़ी। इस खेल में हम लोग आज स और ह से बनने वाले शब्दों को जानेंगे और फिर उन शब्दों में हम स और ह की 12 खड़ी को भी सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स से बनने वाले शब्दों को जानते हैं। सच, साथ, सिलना, सीमा, सुन, सूत, सेब, सैलाब, सोना, सौदा, संग, सह। स, सा, सी, सी, सु, सू, से, सै, सो, सौ, संग, सह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो, वो शब्द क्या है? स और च, सच। सच। और स के बाद सा, सा से बना साथ, साथ। साथ। सी, सिलना, सिलना।
और ये क्या था? सी और मा, सीमा। सीमा, सुन, सूद, सेब, सैलाब, सोना, सौदा, संग और अंत में सह। सह। चलिए हम लोग भी पढ़कर देखते हैं। स, सा, सी, सी, सु, सु, से, सै, सो, सौ, संग, सह। अब चलिए इसमें सीमा कहाँ पे है यह ढूंढते हैं शब्द। मुझे लगा सीमा। सीमा बिल्कुल सही है। और सेब कहाँ लिखा है इसमें? सेब। अच्छा ये लग रहा है सेब, सुन लेते हैं इसको, सेब। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, है ना मजेदार खेल। हल, हाल, हिरन, हीरा, हुस्ना, हुक, हेमा, हैरान, होना, हौसला, हंस, हहा। ह, हा, ही, ही, हो, हु, ए, हाय, ओ, हाउ, हम, ह। एक एक शब्द पर उंगली रखकर सुनो वो शब्द क्या है। ये क्या है? ह और ल, हल। हल, हाल, हिरन, हीरा, हुस्ना, हुक, हेमा, हैरान, होना, हौसला, हंस, हा। तो ये क्या था? ह की 12 खड़ी पढ़ते हैं। ह, हा, ही, ही, हु, हु, हे, है, हो, हौ, हंग, ह। तो अब चलिए इसमें हीरा शब्द कहाँ लिखा है इसको ढूंढ के देखते हैं कहाँ पर है। तो ह, हा, ही, 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 रा, हीरा, ये रहा। हीरा बिल्कुल सही। अब ढूंढते हैं इसमें हौसला। हौ, हौ कहाँ पे है? अच्छा हो और हौ, अच्छा हौ, स, ला, हौसला, मुझे लग रहा है कि यही है। चलिए चेक कर लेते हैं। हौसला। अरे वाह बिल्कुल सही है। अब हम इसमें हौसला हमने देख लिया था, हैरान, तो हैरान, हैरान, मुझे लग रहा है कि ये शब्द है हैरान। चलिए सुन के देख लेते हैं यही है या नहीं। हैरान। बिल्कुल सही है। क्यों कैसा लगा खेल? यह तो कमाल का खेल था, खूब मजा आया। 12 खड़ी के साथ साथ अलग अलग शब्दों के बारे में भी जाना, मतलब आम के आम, गुठलियों के दाम। पहेली मत बुझाइए, मतलब बताइए। बिट्टू तुम ही मतलब समझा दो अपनी काकी को। मतलब आपको भी नहीं पता है? जब पता नहीं रहता है तो बोलते क्यों हैं? काकी मैं बताती हूँ, खेल भी खेला और सीखने को भी मिला। क्यों भाग्यवान, समझ में आ गया या अब मैं समझाऊं? सब समझ में आ गया, समझाने की नहीं, एक और खेल खिलवाने के लिए तैयार हो जाइए। हाँ काका। अरे वाह, वापस मुझे ही पिटारा खोलना पड़ेगा? बिल्कुल। क्यों काका, पिटारा खाली तो नहीं हो गया? बिटिया खाली तो नहीं हुआ, पर मैं सोच रहा था तुम्हारी काकी अपना पिटारा खोले। आगे मैं खोलूंगी, अभी आप शुरू कीजिए। काका अब तो खोल भी दीजिए। तो यह निकाला खेल जिसका नाम है अक्षर मात्रा शब्द यात्रा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं एक मजेदार खेल जिसका नाम है अक्षर मात्रा शब्द यात्रा।
इस खेल में हमें कुछ शब्द सुनाई देगी। हमें अक्षरों पर मात्रा लगाकर शब्द बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार खेल को। अब यहाँ पे स्तर एक है, स्तर दो है, तो चलिए हम लोग स्तर एक के खेल को खेलते हैं। पापा। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पापा शब्द बनाना है। तो पापा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प लेना पड़ेगा। प अक्षर को हमने लिया यहाँ से प। अच्छा, अब इसमें मात्रा भी लगाना होगा, तो आ की मात्रा, तो ये आ की मात्रा ले लिया हमने, तो ये बन गया पा। और फिर क्या लिखना पड़ेगा, पापा लिखने के लिए फिर प लेना पड़ेगा। तो चलिए हमने प अक्षर लिया वापस, और फिर से आ की मात्रा ले ली हमने। अब यहाँ पे देखते हैं पा पा, अब देखिए चलिए सही है या नहीं देख लेते हैं। अरे वाह, ये देखिए पापा शब्द। कौतूहल। अच्छा, वापस सुनते हैं। कौतूहल। कौतूहल, अच्छा, तो कौतूहल शब्द बनाने के लिए हमें पहले तो क लेना पड़ेगा, और उसके बाद मात्रा सोचते हैं, ये मात्रा लें या ये लें। कौतूहल, चलिए देखते हैं, इसी को लेते हैं पहले। औ की मात्रा कौ तूहल है ना। अब क्या लेना पड़ेगा, त, तो चलिए त ले लेते हैं यहाँ से कौतूहल। अब इसमें मात्रा कौन सा लगाएं, मुझे लग रहा है कि छोटी ऊ की मात्रा आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, आप भी बनाते रहिए अपनी कॉपी पे। कौ तू, अब क्या ले, कौन सा अक्षर ले इसमें से, कौ तू हल, तो ह लेना पड़ेगा। देखते हैं इसमें ह है या नहीं है। अच्छा, ये रहा ह, तो हम यहाँ ह लाते हैं, तो कौ तू ह और ल चाहिए। अब इसमें है क्या ल, सही पहचाना आपने, ये रहा ल, अब बन गया कौ तू हल। अब सही है या नहीं देख लेते हैं एक बार, देख लें, चलिए देखते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही, चौका। चौका, अब हमें चौका शब्द बनाना है। तो चौका शब्द बनाने के लिए हमें पहले क्या लेना होगा, च, तो च देखते हैं इसमें है क्या, ये रहा च। अब मुझे मात्रा चौ है, औ की मात्रा, तो मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए। चलिए देखते हैं, चौ और का, तो का के लिए पहले क लेते हैं, क अक्षर को लिया हमने, और अब इसमें मात्रा लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं लगा के इसको आ की मात्रा, तो चौ का, चौका, अब मुझे लग रहा है सही है। क्या लग रहा है आपको, सही है, चलिए देख लेते हैं सही है या नहीं। अरे वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, वापस खेलते हैं। लांघना। अब आ गया लांघना, तो लांघना के लिए हमें पहले तो ल लेना पड़ेगा, तो ये ले लिया ल। फिर आ की मात्रा और लांघना, मुझे लग रहा है कि ये मात्रा भी इस पे ऊपर लगाना पड़ेगा, लांग। अब लांग घ, तो घ यहाँ से ले लेते हैं, लांग घ और ना, तो ना के लिए सबसे पहले न अक्षर लेते हैं, इसमें न है, हाँ ये रहा न, ये न ले लिया हमने यहाँ, और अब इसमें आ की मात्रा लगाते हैं, ये रहा आ की मात्रा। अब मुझे लगता है कि अब सही है ये शब्द लांघना, चलिए चेक कर लेते हैं। अरे वाह, देखिए बिल्कुल सही। नजरिया। नजरिया, अच्छा, अब नजरिया शब्द हमें बनाना है। तो नजरिया के लिए सबसे पहले क्या लेना होगा, न, तो न ले लिया हमने, उसके बाद ज लेना पड़ेगा, तो न ज री, तो री से पहले र लेना पड़ेगा, र लिया, अब इसमें मात्रा लगाना है हमें, कौन सी मात्रा लगाए, मुझे लग रहा है कि ये आना चाहिए, छोटी की मात्रा, न ज री या, तो य ले लिया, और इसमें आ की मात्रा मेरे हिसाब से लगना चाहिए, देखते हैं।
नजरिया, नजरिया। अब मुझे लग रहा है कि ये सही है, चलिए चेक कर लेते हैं। अरे वाह, बिल्कुल सही है। इस खेल को खेलकर मजा आ गया। फिर मजा को बनाए रखने के लिए तुम अपना पिटारा भी खोल दो। आप तो मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। काकी कोई कविता ही सुना दीजिए। जब आप दोनों का मन कविता सुनने का ही है तो सुनते हैं यह मजेदार कविता। गाड़ी का पहिया गोल गोल, गुड़िया की बिंदी गोल गोल, चांदी का सिक्का गोल गोल, आटे की रोटी गोलम गोल, चूड़ी मेरी गोलम गोल, चंदा गोल सूरज गोल, सारी दुनिया गोलम गोल। क्यों, कहाँ खो गए कविता सुनते सुनते? भाग्यवान, मैं तो कविता सुनते सुनते गोल गोल चीजों के नाम सोचने लगा। मतलब कविता अच्छी लगी? अरे वाह, ये कविता तो बहुत ही अच्छी थी। बिट्टू के काका, आप तो कविता में जो गोल गोल चीजों के बारे में बताया गया है वही बता दीजिए। मैं बताऊं? नहीं नहीं, पहले तुम्हारे काका बताएंगे फिर तुम बताना। हाँ हाँ, तो सुनो। पहिया, बिंदी, सिक्का, चंदा और क्या था? काका मैं आपकी मदद करती हूँ। रोटी, चूड़ी, सूरज। बहुत खूब बिट्टू। बच्चों, आप भी इस कविता से मिलती जुलती कविता घर के सदस्यों से सुनिए और सुनाइए। दोस्तों, आज का गेम तो बड़ा ही आसान और मजेदार है। आज के हमारे गेम का नाम है क्यूरियस केस। नाम में ही इतना मजा है ना? चलिए तो देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का गेम। हमें इस चित्र को ठीक तरह से जोड़ना है, चलिए कोशिश करते हैं। अरे यह तो बड़ा ही आसान है, मैंने तो पहली ही कोशिश में सॉल्व कर लिया। दोस्तों, आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है? शायद हमें इन नंबर की मदद से चित्र को ठीक तरह से जोड़ना है। सबसे छोटा नंबर है 2, उसके बाद 4, 8 और 9। देखते हैं सही होते हैं या नहीं। देखा, मेरा शब्द सही निकला। इस तस्वीर में सबसे पहले लगाना है 1, फिर 2, 7 और आखिर में 8। सही बना चित्र। यहाँ देखते हैं कि 1, 2, 5 और 7 हमने ठीक क्रम से लगाया या नहीं। तीन, पाँच, आठ और 9, यह बना हमारा सही जवाब। अगले चित्र का क्रम होगा 1, 4, 6 और 7। इस तस्वीर में तो हमें सिर्फ 2 की जगह बदलनी पड़ेगी। देखा, हमारा चित्र सही बन गया, 4, 5, 7 और 9। वाह, अब तो आप भी इस खेल में माहिर बन गए हो।
5, 6, 7 और 8। इसी से हमारा चित्र सही बनेगा। इस चित्र का क्या क्रम होगा? 2, 5, 6 और 8। एक, पाँच, आठ और नौ ही इस चित्र का सही क्रम है। चलिए चेक करते हैं। इस चित्र का क्रम होगा 4, 5, 8 और 9। इस चित्र को देखकर तो मोगली की याद आ गई। यह चित्र तो कठिन लग रहा है। यह बन गया हमारा सही चित्र। दोस्तों, मुझे तो इन चित्रों को सही क्रम में लगाकर बहुत ही मजा आया। उम्मीद करती हूँ आपको भी मजा आया होगा। चलिए अब चलती हूँ, कल फिर से मिलेंगे नई मस्ती के साथ। हेलो दोस्तों, आइए एक छोटी सी कहानी को ध्यान से देखते हैं और समझते हैं। राजू की कहानी। माँ ने कहा राजू से कि सुन राजू, बाजार जा और कुछ चीजें खरीद कर ले आ। राजू बोला, हाँ माँ, बिल्कुल चला जाता हूँ। तो भाई राजू ने अपनी साइकिल उठाई और चल दिया। राजू अपनी साइकिल लेके सामान खरीदने चला। तो चलो आओ, हम भी राजू के साथ बाजार चलते हैं और कुछ कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। अरे यहाँ तो 3 तरह की दुकानें हैं, अपना किराना दुकान, सपना जूस सेंटर और मायरा शरबत कॉर्नर। सबसे पहले क्या खरीदा जाए? अच्छा, अपना किराना दुकान पर चलते हैं। राजू को 1 किलो चावल खरीदना है। राजू ने कहा कि चाचा मुझे 1 किलो चावल दे दो। ठीक है, अभी तौल के देता हूँ। अरे और डालो, नहीं हुआ। और डालो, अभी भी नहीं हुआ। क्या करे भाई, महंगाई है। इतना ही? ओ, अब ज्यादा हो गया। हाँ, अब हो गए 1 किलो चावल। तो यह हो गए आपके 1 किलो चावल। ठीक है भैया, 1 किलो चावल के कितने रुपए हुए? कक्का ने कहा कि 1 किलो चावल के 38 रुपए हुए। मुझे और भी सामान चाहिए। अच्छा, लाला जी को लिस्ट दे दो। तो भैया लाला जी ने बोला कि बताएं कौन कौन सी चीजें चाहिए। राजू ने कहा मुझे और भी वस्तुएं खरीदनी है। मुझे तेल, आटा, चाय पत्ती और चीनी लेनी है। ठीक है, तो राजू ने निम्न वस्तुएं खरीद ली। कौन कौन सी? चावल कितने लिए? चावल लिया 1 किलो। देखिए 1 किलो चावल का भाव क्या है, 38 रुपए प्रति किलो है, तो 38 रुपए का। तेल कितना लिया? तेल लिया 1 लीटर। 1 लीटर तेल 90 रुपए का है, जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। आटा कितना लिया? आटा लिया 1 किलो, और 1 किलो आटा 14 रुपए प्रति किलो है, इसलिए 14 रुपए का। चाय पत्ती कितनी ली? चाय पत्ती ली 100 ग्राम। 100 ग्राम चाय पत्ती 35 रुपए की, क्योंकि 35 रुपए प्रति 100 ग्राम है। चीनी भी खरीदी है। चीनी 1 किलो ली है 45 रुपए की, क्योंकि 45 रुपए प्रति किलो चीनी है। और कुछ चाहिए? बस हो गया, इतना ही चाहिए। अच्छा देखो कुल रुपए कितने हो गए।
चलो देखते हैं। यह लीजिए आपकी चीज है। ठीक है, चीजें दे दी। तो मेरे बिल के कितने पैसे हुए पूछा तो? आपके हुए कुल 222 रुपए। ठीक है, राजू ने ये 100 रुपए दिए, एक और 100 का नोट दिया तो कुल 200, फिर 50 का दिया तो इस तरह राजू ने दिए 250। ये लीजिए भैया आपके 250 रुपए। अच्छा, राजू को लाला ने इतने पैसे वापस किए, कितने? देखो 10 का एक नोट, एक और नोट, फिर 5 का सिक्का, फिर 2 का सिक्का और ये 1 का सिक्का, इतने रुपए। राजू को कितने रुपए वापस मिले हैं बताओ? दुकानदार ने कितने रुपए कमाए हैं ये भी बताओ। सोचो सोचो, जल्दी दिमाग लगाओ। हाँ भाई, देखो ये हो गए 10 रुपए, फिर ये एक और 10 का नोट, तो मिलाकर हुए 20 रुपए, फिर ये 5 का सिक्का, तो 20 और 5, 25 रुपए, फिर ये 2 का सिक्का, तो 27, फिर 1 का सिक्का, कुल 28। इस तरह कितने रुपए? 28 रुपए तो वापस मिल गए। दुकानदार ने 222 रुपए कमाए। तो ये तो थी राजू की बाजार वाली कहानी। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें, बाय बाय। हेलो बच्चों, चलो जोड़ करना सीखते हैं। 12 जोड़ 24 कितना होगा? देखिए 12 में 10 यानी 1/2 और 2 इकाई है और 24 20 और 4 यानी 2/2 और 4 इकाई। ये हो गया 1/2 और ये इकाई। यहाँ ये 1/2 है और ये 4 इकाई है। अब अगर इकाई जोड़ इकाई किया जाए तो ये हुआ कुल। देखिए 2 जोड़ ये 4 बराबर 6। और अगर 1/2 जोड़ 1/2 किया जाए तब होगा 10 जोड़ 20 यानी 30। इस तरह 12 जोड़ 24 बराबर होंगे 36 के। 54 जोड़ 21 ये कितना? देखिए 54 यानी 50 जोड़ 4 और 21 20 जोड़ 1 50 यानी 5/2 और ये 4 इकाई, 20 यानी 2/2 और ये 1 इकाई। अब अगर इकाई जोड़ इकाई कर लिया जाए तो होगा ये 4 जोड़ ये 1 कुल 5 और फिर 1/2 जोड़ 1/2 करते हैं तो 50 जोड़ 20 ये हो गया कुल 70। और अब दोस्तों 54 जोड़ 21 ये कितना होगा? ठीक पहचाना, 70 और 5 75। हमने इकाई और 1/2 को जोड़ लिया। पैंसठ जोड़ 33 ये कितना होगा? देखिए 65 यानी 60 जोड़ 5 और 33 30 जोड़ 3 30 और 3 33। अब यहाँ 60 में देखिए 60 क्या है? 1/2 है, कुल 6/2 और ये 5 का मतलब है 5 इकाई। 30 यानी 3/2 और 3 इकाई। अब अगर इकाई जोड़ इकाई किया जाए तो कुल कितना होगा? देखिए यहाँ
65 में 5 इकाई और 33 में 3 इकाई है। दोनों को जोड़ा तो हमें मिला 5 और 3 8। और अब अगर इनकी दहाई जोड़ लें तो दहाई कितनी है, यहां पर है 60 और 33 में दहाई है 30। कुल मिलाकर हुए 30 और 60 90। और अब अंतिम स्टेप हमारा 65 जोड़ 33, ये कितना हुआ, जोड़ लो इकाई और दहाई को, 90 और 8 98। अगला और अंतिम सवाल 44 जोड़ 35 बराबर कितना, देखिए 44 में 40 जोड़ 4 करना होता है तो हो गया 44, और 35 में 30 जोड़ 5 हुए ना 35, तो ये 40 क्या है, ये है 4 दहाई और ये 4 इकाई है, और ये 30 यानी 3 दहाई और ये 5 इकाई। अब दोस्तों अगर हम इकाई और इकाई को जोड़ लेते हैं तो इकाई जोड़ इकाई बराबर 44 में 4 इकाई है और 35 में 5, दोनों को जोड़ने पर हुआ 9, 5 और 4 9। अब बात दहाई की कर लेते हैं, दहाई जोड़ दहाई यानी 40 जोड़ 30 बराबर हो गया कुल 70। इस तरह 44 जोड़ 35 बराबर होंगे 70 और 9 79, बिल्कुल ठीक। तो दोस्तों देखा कितना आसान है जोड़ करना, आप भी सीखिए और करते रहिए, फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, आज के खेल के अंक में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक मनोरंजक खेल जिसका नाम है कनेक्ट 10। आपको कुछ ध्यान है कि इस खेल को हमने पहले भी खेला है या नहीं? जी हाँ, ये खेल हम पहले भी खेल चुके हैं। ये वही खेल है जिसमें हम ग्रिडों को मिलाकर श्रृंखला बनाते हैं। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं ये खेल क्या है और इसे कैसे खेलते हैं। जैसा कि ये ग्रिड दिख रहे हैं रंग बिरंगे, हमें इन ग्रिडों को मिलाकर श्रृंखला बनानी है और श्रृंखला का जोड़ होना चाहिए 6, 10 या 12। हमें श्रृंखला बनाने के लिए उन ग्रिडों पर क्लिक करना है जो एक दूसरे के बगल में हैं, और ग्रिडों का योग होना चाहिए 6, 10 या 12। 0 भी इस श्रृंखला में शामिल हो सकता है। हम जितनी लंबी श्रृंखला बनाएंगे हमें उतने ही ज़्यादा अंक मिलेंगे। और एक और बात कि जिस नंबर को हमने श्रृंखला में एक बार शामिल कर लिया, अगली बार उसका मान एक कम हो जाएगा। तो क्या आप तैयार हैं ये खेल खेलने के लिए? चलिए जल्दी से हम अपना खेल शुरू करते हैं। आज हम ग्रिडों को मिलाकर 10 की श्रृंखला बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 10 की श्रृंखला कौन कौन से नंबरों को मिलाकर बनती है। ये है 5 और 5 हो गए 10। अब देखिए और कौन से नंबर, जी 6 और 4 भी तो 10 होते हैं। अब देखते हैं जी 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 4 भी 10, 7 और 3 फिर से 10। अब देखते हैं कि और कौन से नंबरों से हम 10 की श्रृंखला बना सकते हैं। ये 5 और 5 भी तो हैं। अब देखो ये रहे 6 और 4, फिर से 7 और 3 आ गए,
दोस्तों ये खेल बहुत ही मजेदार है। आपका मन करेगा कि मैं बस खेलते ही जाऊं। चार और चार हो गए आठ और दो, चार और चार हो गए आठ और दो दस, तीन तीन छः तीन नौ और एक दस। आगे देखते हैं, पांच एक छः दो आठ, पांच एक छः दो आठ और दो दस, चार जीरो और एक पांच और पांच ये भी दस। अब देखते हैं, एक और चार हो गए पांच, तीन सात तीन आठ नौ और दस, एक चार पांच तीन आठ नौ और एक दस, छः और चार दस, दो तीन पांच जीरो और पांच ये भी दस, छः और चार ये भी हो गए दस। अब सोचिए कि और कौन से नंबरों से हम दस बना सकते हैं, सोचिए बताइए। जी ये दिख रहे हैं छः दो आठ और दो दस, पांच एक छः और चार ये भी हो गए ना दस, चार और एक पांच और ये पांच मिलकर हो गए दस। आपको ये खेल कैसा लग रहा है दोस्तों, मजा आ रहा है ना? चलिए अगला दस कौन से नंबरों को मिलाकर बनाएं? सोचिए, ये दिख रहे हैं छः और चार, ये भी हैं चार और छः, अब देखते हैं तीन और पांच आठ और तीन ये तो ग्यारह हो गए, चलिए ये देखते हैं पांच और तीन आठ और दो हो गए दस, तीन और एक चार दो छः, तीन और एक चार दो छः और चार, तीन एक चार दो छः ये नहीं हो रहा दोस्तों पता। चलिए कोई बात नहीं, कोई और देखते हैं, तीन और तीन छः और चार हो गए ना दस। चलिए और देखें और कौन से नंबर बना सकते हैं दस। ये कोशिश करते हैं, पांच दो सात एक आठ, और देखते हैं दोस्तों छः और चार भी हो गए दस। अब देखें, पांच छः सात नहीं हो रहा ये सात। दोस्तों आपको आज का खेल कैसा लगा? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये खेल पसंद आया होगा। आप घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आइए आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ सवाल हैं। सवाल है जोड़ना पर आधारित। तो देखिए यहाँ पर आपको कितने लट्टू दिख रहे हैं? तीन। पहले लट्टू पे है 15 और उसमें जोड़ना है आपको 7 और बताना है कि 15 जोड़ 7 बराबर क्या होगा। सवाल समझ आया? 15 जोड़
7 बराबर कितना? 18 जोड़ 9, 18 जोड़ 9 यह कितना होगा? 27 जोड़ 12 बराबर कितना? 29 जोड़ 11 बराबर कितना? 29 जोड़ 11 जोड़िए और बताइए। 22 जोड़ 37 इसका जवाब क्या होगा? 22 जोड़ 37 यह कितना होगा? 49 जोड़ 25 बराबर क्या आएगा? 49 में 25 जोड़ने पर कितना होगा? 41 जोड़ 23 यह किसके बराबर होगा? 41 जोड़ 23 कितना होगा? और 54 जोड़ 20 यह कितना होगा? 58 जोड़ 48 यह किसके बराबर है? और 72 जोड़ 63 यह किसके बराबर है? 38 जोड़ 21 बराबर कितना? 67 जोड़ 36 बराबर क्या होगा? और 39 में 16 जोड़ने पर कितना होगा? 64 और 17 को जोड़ने पर क्या आएगा? और आखिरी सवाल है, 55 जोड़ 27 बराबर क्या होगा? दोस्तों, इनके जवाब के साथ हम फिर मिलेंगे। ख्याल रखिए अपना। बाय बाय। दोस्तों, आज का वीडियो बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम कुछ अंग्रेजी लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं और उनसे शुरू होने वाले शब्द को पढ़ेंगे। Hi children, it's time to learn how to write letters V, W, X, Y and Z. We will also learn how to draw pictures with the help of these letters. So let's start. This is how you write V. This is letter V. V for vase. You can draw a vase with letter V. This is how you write W. This is W. W for wall. You can draw a wall with letter W. This is how you write X. This is X. X for X-ray. You can draw an X-ray with letter X. This is how you write Y. This is Y. Y for yak. You can draw a yak with letter Y. This is how you should write Z. This is letter Z. Z for zebra. You can draw a zebra with letter Z. Children, practice writing letters V, W, X, Y and Z. And also try to draw pictures with the help of letters. Enjoy coloring them. आशा करती हूँ बच्चों, आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।